और इस वक्त गोरखपुर से एक खबर आ रही है, यहाँ पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 48 घंटों में कुछ 30 बच्चों की मौत हो गई है। इन बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। सभी बच्चे एनसेफेलाइटिस के मरीज थे और कल रात को ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी हुई थी और बताया जा रहा है कि इसी वजह से बच्चों की मौत हुई है। तो रात 12 बजे से अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। मौत के बाद आनन फानन में प्रशासन ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। ये जो बच्चे हैं वो दरअसल एनसेफेलाइटिस के मरीज थे और ये बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन न होने के कारण, मतलब इन ऐसे ही बच्चों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सभी बच्चे जो हैं उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई और रात को ही जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है गोरखपुर का, वहां पर ऑक्सीजन की कमी के वजह से ही इन बच्चों की मौत हुई है। तो कल रात अगर 12 बजे से अब तक इस समय तक की बात करें तो 7 बच्चों की मौत हो चुकी है और कुल मिलाकर इन पिछले 48 घंटों में 30 बच्चों की मौत हो गई है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही। प्रशासन की तरफ से फिलहाल हम आपको बताएं कि अब जाकर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इस पूरे इलाके के डीएम ने इस पूरी घटना के बाद क्या कहा है ये सुनिए। देखिए, ये आज सुबह जानकारी में आया कि वहाँ पर जो लिक्विड ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है मेडिकल कॉलेज में, वो व्यवस्था कल रात में वहाँ पर डिसरप्ट हुई। इसके बारे में तत्कालीन प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से हमने बात किया तो उन्होंने इस बात को कहा कि जो सप्लाई उनको वेंडर देता था वो कल रात से उसने नहीं दी और उसका कारण ये बताया कि उसका कुछ पेंडिंग अमाउंट पेमेंट का था। उनसे बात करने के बाद हमने उनसे ये भी कहा कि क्या ऑक्सीजन की कोई दिक्कत, उन्होंने कहा कि साहब ऑक्सीजन के ऑल्टरनेटिव हमारे पास व्यवस्था रहती है और हम उससे हैंडल कर लेंगे। हमने तत्काल ही उनके वेंडर से भी बात की जो पुष्पा सेल्स वाले कोई हैं, लखनऊ में थे। उन्होंने कंफर्म किया कि कोई पेमेंट हुआ तो है लेकिन हमारे अकाउंट में भी नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। अब सिक्योरिटीज एपील ट्रिब्यूनल से 6 और कंपनियों को राहत मिली है। जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और प्रकाश इंडस्ट्रीज के बाद इन 6 और कंपनियों को सैट से अब राहत मिल गई है। आपको बताएं कि ये 6 कंपनियां जो हैं वो है पार्सोना डेवलपर्स, कवित इंडस्ट्रीज, सिग्नेट इंडस्ट्रीज, पिनकॉन स्पिरिट, एसक्यूएस इंडिया, बीएफएसआई और कल्पना इंडस्ट्रीज। अब इन सभी कंपनियों के नाम 331 कंपनियों की उस लिस्ट में शामिल थे जिन पर सेबी ने शेल कंपनियों के शक में ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया था। ये कंपनियां सेबी के फैसले के खिलाफ फिर सैट चली गई थी जहां पर इन कंपनियों ने सैट के सामने अपने वित्तीय दस्तावेज रखे और कहा कि वो शेल कंपनी नहीं है। और अब इस सुनवाई के बाद सैट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी से इन सभी कंपनियों की ट्रेडिंग पर लगे बैन को हटाने को कह दिया है। अब उम्मीद यही है कि अब इन सभी कंपनियों में सोमवार से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। वहीं कवित इंडस्ट्रीज जो गुजरात की कंपनी है, खाने के तेल की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करती है। पार्श्वनाथ डेवलपर जो है वो दिल्ली की कंपनी है, रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी हुई है। जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और प्रकाश इंडस्ट्रीज से में आज ट्रेडिंग शुरू हो गई और दोनों शेयरों पर लोअर सर्किट लग गया। चलिए अब खबर मुंबई से जहां पर जल्दी आपको 2400 घंटे साल के 365 दिन शॉपिंग करने की आजादी मिलेगी। मतलब मॉल्स और जो रिटेल स्टोर्स है उनको 24 घंटे खुले रखना जल्दी मुमकिन होगा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा ने इससे जुड़ा कानून पास कर दिया है और राज्य सरकार जल्द ही इस पर नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। मुमकिन है कि मुंबई में साल के अंत से पहले ही दुकानें 24 घंटे खुली रहे। राज्य सरकार ने इससे जुड़े कानून शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को विधानसभा में पास करा लिया है। कानून का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट से जुड़े एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से खुलने और बंद होने का वक्त तय कर सकेंगे। इसके अलावा स्टॉक ब्रोकिंग, मेडिकल प्रैक्टिस, टैक्स कंसल्टेंट या दूसरे किस्म की सेवाएं देने वाले प्रोफेशनल भी अपने ऑफिस 24 घंटे तक खुले रख सकेंगे। 2400 घंटे कामकाज की इजाजत के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई है ताकि आम लोगों को दिक्कत न हो या फिर कानून व्यवस्था की दिक्कत नहीं आए। इसीलिए डिस्कोथेक, बार, शराब की दुकानों पर पहले की तरह ही समय की पाबंदी जारी रहेगी। रिहायशी इलाकों में रेस्टोरेंट को देर तक खुला रखने के लिए अतिरिक्त मंजूरी लेनी होगी। हालांकि जो पब, बार या शराब की दुकानें शॉपिंग मॉल्स के भीतर है उनका क्या होगा ये साफ नहीं है। इस पर पूरी सफाई राज्य सरकार की ओर से नोटिफिकेशन आने के बाद ही आएगी।
माना जा रहा है कि राज्य सरकार के कदम से अतिरिक्त लोगों को रोजगार का मौका भी बढ़ेगा। महिलाओं को भी रात में काम करने की इजाजत होगी। हालांकि सुरक्षा का जिम्मा एम्प्लॉयर का होगा। कर्मचारियों को अतिरिक्त काम के घंटे पर दोगुने रेट पर ओवरटाइम देना होगा। अनुराग शाह के साथ जया राय, जी मीडिया, मुंबई। न्यूज 360 के इस बुलेटिन में बस इतना। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर में आप देखिए हॉट स्टॉक्स।